जान, कहीं तुमने तो नहीं रोका हुआ था अपनी बीवी को? खुद भी लेट आयो, क्या पता प्यार आ गया हो अपनी बीवी पे। ओके मजूने, ओए रात तो ठीक से कटी ना उसके बाद। अरे इसे होश ही कहाँ होगा, नींद की गोली खा के ना सोई थी। क्या नींद की गोली? मैंने कब ली नींद की गोली? वो जो काढ़ा पिया था ना उसमें नींद की गोली डाली तो थी मैंने। व्हाट अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बिना बताए मुझे नींद की गोली दे दी। तुम्हें पता है इस सब के बारे में? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था मेघा, लेकिन तुम्हें भी सोचना पड़ेगा कि तुम किस तरह से रिएक्ट करने वाली हो। ये कोई सही तरीका था जो तुमने किया? और ये सही तरीका था अर्जुन कि मुझे बिना बताए नींद की गोली काढ़े में घोलकर पिला दी थी। ऐसा काम है मेघा, बूजी ने जो कुछ किया था वो गलत किया था, लेकिन जिस तरह से तुमने भी पलट जवाब किया, जिस टोन में तुमने बात की वो भी गलत था। इसे वैसे ही लड़ने वाला मेघा, तुम्हें जो कुछ भी कहना ना तुम मुझसे आके कहो ना, मैं करूंगा बात बूजी से, पर तुम भी उन्हें समझने की कोशिश करो ना। मेघा बरसिंह के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई मेघा के गृह प्रवेश तो हो ही गया, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया अर्जुन। अब हमने देख ही लिया था ना बुआ ने क्या क्या हरकतें की थी। बुआ ने सेंधा नमक का एक पानी मिलाया था और उसमें बोला कि भाई तुम अपनी शुद्धिकरण करो, और हाथों में पैरों में उसने पूरा उस सेंधा नमक से पैर धोए, तो उसके चुभ भी रहा था, वो उसके आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन को थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। अर्जुन ने मना भी किया कि तुम ये सारे रीति रिवाज क्यों कर रही हो, बुआ को भी डांटा, लेकिन यहाँ पर उसने मना कर दिया मेघा ने कि नहीं मैं सारे रीति रिवाज करूंगी और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भाई गृह प्रवेश तो हो गया है, वो उसकी घर में एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन की मम्मी है ना वो बहुत प्यारी सी है, और वो ना मेघा को समझा रही है, सॉरी भी बोल रही है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है जो मैंने सब किया है, और यहाँ पर अब तुम्हें पता ही है ना किस तरीके का माहौल है, तो मैं उन सब लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, और यहाँ पर एक काम करो तुम ऊपर रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद जो आगे की रस्में है ना उसके लिए तैयार रहना। अब जो आगे की रस्में है उसमें बुआ क्या करने वाली है ये इंटरेस्टिंग देखने लायक होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई बुआ तो मानने वालों में से नहीं है, बहुत सारी रस्में होंगी और इस रस्म में वो कहीं ना कहीं मेघा को भाई बेइज्जत करने वाली है। वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेघा है ना वो सर्वेंट को ढूंढ रही है जिसने वो वीडियो बनाया था जिसमें उसने बोला था कि भाई यहाँ पर औरतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और आप अर्जुन से शादी मत करो, तो अब वो उसी पूनम को ढूंढ रही है, लेकिन वो पूनम कहीं मिल नहीं रही है क्योंकि भाई बुआ ने तो उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया, तो वो कहां से मिलेगी। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मेघा भाई क्या ये अर्जुन को बताएगी कि मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा था, उस सर्वेंट ने ऐसा कुछ बताया है और तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है क्या। लेकिन यहाँ पर भाई अर्जुन को अभी तक अपने पापा और बुआ की हरकतें नहीं पता है, हमने देख ही लिया था ना, बुआ और पापा भी डिस्कस भी कर रहे थे कि तुम चिंता मत करो दीदी, और यहाँ पर जो भी लड़की आएगी ना वो हमारे पैरों के जूती की नोक पर बनकर रहेगी और मेघा भी इसी तरीके से रहेगी, तो तुम ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर अर्जुन उसको अपने साथ रखने वाला है या अपने कंधे से कंधा मिला के चलेगा, यहाँ पर मेघा को भी हम दबा के रखेंगे। तो अब देखते हैं मेघा किस तरीके से यहाँ पर भाई अपना स्टैंड लेगी और यहाँ पर अर्जुन कितना साथ देने वाला है मेघा का।